हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एक जो है फेज मॉनिटरिंग रिले है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फेज मॉनिटरिंग रिले जो होता है क्या होता है, इसका सेटिंग वगैरह जो है कैसे करते हैं। तो एक्चुअली में कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो बहुत से जो है फेज मॉनिटरिंग अलग अलग जो है मल्टी फंक्शन मॉनिटरिंग रिले मिल सकता है। तो एक्चुअली में ये जितना भी हमारा मीटर जो रिले होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, फेज सिक्वेंस या फेज फेलियर का जो है ये सब हम लोग मॉनिटर करते हैं। एक्चुअली में इसका यूज जो है इसीलिए होता है, कहीं भी अगर मोटर वगैरह लगा रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा मोटर जो है दो फेज पे ना चले उसके प्रोटेक्शन के लिए, या जो है हमारा रिवर्स वगैरह जो है ना चले उसके लिए जो है ये यूज किया जाता है, फेज सिक्वेंस या फेज फेलियर या मॉनिटरिंग रिले। तो ये है फेज मॉनिटरिंग रिले, इसमें क्या है ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो एक्चुअली में इसमें जो है अलग अलग जो है टाइप का रिले होता है, अलग अलग जो है फंक्शन मिल जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये रिले जो है इसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है। तो कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे फेज फेलियर या अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले जो होगा उसमें आप लोग को L1 L2 L3 तीन जो है ज़रूर मिलेगा। ये L1 L2 L3 जो होता है हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग इसमें सप्लाई डालते हैं वही होता है। तो आप लोग को ये जो है तीनों डालना पड़ेगा, क्योंकि अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज या जो है फेज फेलियर के लिए हम लोग के पास तीनों फेज का जो है सप्लाई होना चाहिए, तभी जो है ये मेजर करेगा। तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग कहीं जाते हैं जहाँ पे ये तीनों डाला हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज सीक्वेंस और ये सब हमारा मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपल सा आप लोग को ये चीज़ देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो है टाइमर अलग अलग होता है कहीं कहीं पर मोटर में। आप लोग को पता होगा कि जो टाइमर होता है उसको हम लोग स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ करने के लिए, स्टार टू डेल्टा के लिए भी यूज करते हैं। देखने में जो है पूरा आप लोग को सेम ही दिखेगा, लेकिन जो है अलग अलग उसका फंक्शन होता है। तो इसके लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो फिर ये जो है आप लोग को पता चल गया। अब जो है इसका जो है अगर आप लोग कंट्रोल का वायरिंग देखेंगे, तीन हम लोग सप्लाई डाल दिए, फिर यहाँ से हम लोग कंट्रोल का लेते हैं। तो कंट्रोल में अगर आप लोग देखेंगे तो 11 नंबर जो है कॉमन है, 12 नंबर NC होता है, 14 नंबर जो होता है NO होता है। तो कॉमन में हम लोग सप्लाई डालते हैं जो हम लोग कंट्रोलिंग में यूज करते हैं। तो यहाँ 240 से लेके हम लोग क्या कर सकते हैं 24 वोल्ट या 12 वोल्ट यूज कर सकते हैं। जो हम लोग यहाँ से सप्लाई डालेंगे वहीं 12 और 14 से हमारा आउट होगा। तो ये जो है 12 नंबर आप लोग को मैं बताया NC होता है, 14 नंबर NO होता है। तो 12 नंबर जो है जो ये रिले जब हम लोग इसमें सप्लाई देंगे तो क्या होगा, NC रहेगा तो NO हो जाएगा, और 14 नंबर जो है हमारा NO रहेगा तो NC हो जाएगा। यानी इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो है 14 नंबर ओपन रहता है, तो जब हम लोग सप्लाई देंगे तो ये 14 नंबर जो है हमारा चालू हो जाएगा। यानी अगर हम लोग 11 नंबर डाल के और इसमें ऑन करेंगे तो ये जो है हमारा 14 नंबर से आउटपुट मिल जाएगा। तो ये अगर हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं तो NO NC जो है हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज करते हैं। तो सिंपल था ये जो है आप लोग को पता चला। और इसमें कहीं कहीं पे क्या होता है कि इसी में जो है 6 टर्मिनल होता है, जैसे तीन ये आप लोग को मिलेगा वैसे जो है मिल जाएगा दूसरा। तो ये हमारा यहाँ से कंट्रोलिंग का आप लोग को समझ में आ गया कि ये कैसे चेंज करेगा स्टेट। इसमें सिंपली जो है आप लोग को ये समझ में आ गया, ये जो है कैसे काम करता है कि मान लीजिए इसमें हमारा जो है अंडर वोल्टेज हो गया या ओवर वोल्टेज हो गया, कोई जो फेज होगा वो फेल हो जाएगा, उस टाइम में क्या होगा कि दो अगर का जो वोल्टेज होगा कम हो जाएगा, उस टाइम अंडर वोल्टेज पे ये ट्रिप कर जाएगा। तो उस टाइम जो है क्या करता है हमारा 14 नंबर से जो सप्लाई होगा वो NO हो जाएगा और 12 नंबर वाला जो है NC हो जाएगा। तो ये स्टेट चेंज कर देगा। सिंपल सा होता है इसमें कि स्टेट चेंज NO NC में जो है आप लोग को पता चल गया कि ये हमारा कैसे काम करता है। इसका सेटिंग जो है हम लोग को यहाँ पे मिलता है। अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो ऊपर जो है ये ऊपर पहला जो नॉब है ये आप लोग देख सकते हैं ओवर वोल्टेज के लिए है। इसमें अगर आप लोग अभी देखेंगे तो ये 420 के आसपास जो है सेटिंग है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग ओवर वोल्टेज का सेटिंग करते हैं। फिर दूसरा जो है टाइम का है, यानी हम लोग इसमें टाइम का सेटिंग कर लेते हैं कि कितना सेकेंड पे जो है हमारा, अगर मान लीजिए कि इसमें हम लोग ओवर वोल्टेज 420 या 15 पर कनेक्ट कर लिए तो कितना सेकेंड तक जो है ट्रिप नहीं होगा, उसके बाद ट्रिप होगा। तो यहाँ पे 6 सेकेंड डाला हुआ है, हम लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मोटर जो होता है कुछ टाइम तक जो है हमारा ज़्यादा करंट लेता है स्टार्टिंग वगैरह के टाइम में। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे टाइम सेट कर लेते हैं कि कितना सेकंड तक, मान लीजिए हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 10 से 15 सेकंड तक ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है तो उस टाइम ट्रिप ना हो, इसके लिए यहाँ पे हम लोग टाइम डालते हैं। टाइम भी फंक्शन रहता है। फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे अंडर वोल्टेज, यहाँ पे अंडर वोल्टेज है। तो अंडर वोल्टेज अगर आप लोग देखेंगे तो ये परसेंटेज में होता है, आप लोग देख सकते हैं 2 से लेके 20% तक ये हम लोग सेट कर सकते हैं अंडर वोल्टेज। तो अंडर वोल्टेज कैसे हम लोग जो है इसको 20% करेंगे, यानी जितना वोल्टेज हमारा इसमें मिल रहा है, मान लीजिए हम लोग को 400 वोल्ट मिल रहा है
तो उसका जो है अगर 10% आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी जो है ये 10 पे ही सेलेक्ट है, तो 10% जो है 400 मिल रहा है, तो 10% कम हो जाए तब जो है ये ट्रिप हो जाए, यानी 400 का अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग को 40 जो है वोल्टेज मिलेगा, तो 40 वोल्टेज जो है 400 में से आप लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 360, यानी 360 पे अभी जो है ये ट्रिप हो जाएगा। तो आप लोग जितना भी चाहेंगे 0 से लेके 20% तक आप लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ये नॉब को घुमा के और उसका सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो सिंपल सा जो है नॉब घुमा के जो है हम लोग इसका सेटिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है, ये आप लोग को सेटिंग पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग जाएंगे तो अलग अलग जो है सेटिंग होता है, फंक्शन वगैरह होता है, अलग अलग जो है इस टाइप का टाइमर मिल जाता है, तो आप लोग को देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है किसी सीनियर से पूछ सकते हैं कि ये जो टाइमर है इसका सेटिंग वगैरह जो है कैसे होता है। बहुत ही अलग अलग टाइप का जो है इसमें टाइमर आप लोग को मिल जाता है, लेकिन जो है आप लोग 3-4 जो टाइमर है उसका जो है वीडियो देखेंगे आप लोग को उसके बारे में पता चलेगा, तो आप लोग इजीली जो है इसका जो है सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है ये टाइमर जो है इसके बारे में आप लोग को अच्छा से पता चला होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।